नेवर मिस अ वीक इन क्लासिक रेडियो शो। चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करिए एंड स्टे अपडेटेड। सारेगामा वीकेंड क्लासिक पर गौरव श्रीवास्तव के साथ हैं आप, और हर हफ्ते की तरह एक बड़ा ही अनोखा, बहुत ही स्पेशल एपिसोड हम आपके लिए लेकर आए हैं। और आज के इस एपिसोड में बात की जाएगी बंगाली ब्यूटी शर्मिला टैगोर के बारे में, कि किस तरह से इन्हें सत्यजीत रे साहब की फिल्में मिली और क्यों इन्होंने रे साहब को फिर छोड़ भी दिया, और वो क्या बात थी जिसकी वजह से इन्हें लग रहा था कि भाई शम्मी कपूर की जगह अगर शशि कपूर होते तो ज़्यादा अच्छा था, शशि कपूर साहब को सेट से भागना पड़ा था। ये सारी बातें मैं बैठूंगा आपके साथ सिर्फ सारेगामा वीकेंड क्लासिक पर। आपके सजन सावन में, इतने बड़े घर में नहीं
ना धीरे धीरे बाल मां ओ हो कर होले होले चलो मोरे साजना हम भी पीछे हैं तुम्हारे कर होले होले चलो मोरे साजना हम भी पीछे हैं तुम्हारे कैसी फीकी फीकी रुत है सुहानी कैसे प्यारे नजारे जर होले होले चलो मोरे साजना हम भी पीछे हैं तुम्हारे जर होले होले चलो मोरे साजना हम भी पीछे हैं तुम्हारे क्लासिक पर गौरव श्रीवास्तव के साथ हैं आप और इस एपिसोड में शर्मिला टैगोर जी की जिंदगी की कुछ बड़ी अनोखी दास्तानें आपके साथ बांट रहा हूं और साथ ही इनकी फिल्मों के बहुत ही अनोखे गाने। देखिए साहब, एक लम्हा ऐसा भी आया शर्मिला जी की जिंदगी में जब इन्हें शम्मी कपूर के साथ एक फिल्म मिली। फिल्म का नाम कश्मीर की कली। पर शर्मिला जी को लग रहा था कि भाई शम्मी साहब की जगह अगर शशि कपूर होते तो ज्यादा अच्छा था। शम्मी कपूर साहब की इज्जत बहुत करती थी और फिल्म में काम भी कर रही थी। तभी एक दिन अचानक सेट्स पर पहुंच गए शशि कपूर। शर्मिला जी ने उन्हें देखा और ज़रा ये शर्मा गई, ऐसा शर्माई कि इनसे एक्टिंग ही नहीं हो रही। तब फिल्म के डायरेक्टर शक्ति सामंता ने शशि कपूर साहब से कहा कि भाई देखिए, आपके बड़े भाई साहब की फिल्म है ये, आप मेरी हीरोइन को परेशान कर रहे हैं। तो शशि साहब ने कहा, मैं कहाँ परेशान कर रहा हूँ। कहते नहीं, वो आपको बहुत पसंद करती हैं और आप जहाँ पर हैं तो उनसे एक्टिंग नहीं हो रही है, लिहाजा आप ऐसा करें कि आप इस सेट से जो हैं बाहर चले जाएं। और शशि कपूर साहब को बाहर जाना पड़ा और उसके बाद फिल्म कश्मीर की कली की शूटिंग मुकम्मल हो सकी। इस तरह के दीवानगी थी साहब। और उसके बाद ये फिल्म हिट भी हुई और इसी फिल्म का एक गाना मैं चाहता हूँ हम सुनें
और बहुत जल्द ये कहानी भी आपको सुनाऊंगा कि शक्ति सामंता साहब इनसे कहते रहे कि शर्मिला मेरी बात मानो, कपड़े इतने छोटे ठीक नहीं हैं, पर शर्मिला जी इनकी बात नहीं मान रही थी। कौन सी थी वो फिल्म, क्या यह पूरा किस्सा, बहुत जल्द बताऊंगा सिर्फ सारे गामा वीकेंड क्लासिक पर। मुझे जिसने तड़पा दिया, यही थी वो जालिम अदा, यही थी वो जालिम अदा। ये रांझा की बातें, ये मजनू के किस्से, अलग तो नहीं है मेरी दास्तां से। इशारों इशारों में दिल लेने वाले, बताए हुनर तूने सीखा कहाँ से।
कोरा कागज था ये मन मेरा 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 लिख लिया नाम इस पे तेरा 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 कोरा कागज था ये मन मेरा लिख लिया नाम इस पे तेरा और स्पेशल सुन रहे हैं आप सारे गांव वीकेंड क्लासिक पर गौरव श्रीवास्तव के साथ हैं आप। कुछ बड़े ही अनोखे गाने और कुछ बड़े ही अनसुने और बड़े जबरदस्त किस्से आपके साथ बांट रहा हूं। देखिए साहब, एक लम्हा ऐसा भी आया शर्मिला जी की जिंदगी में जहां पे इन्हें लग रहा था कि भाई हिंदी फिल्मों से मैं दूर रहूंगी, ज्यादा फिल्में करूंगी नहीं,
पर अब एक बार हिंदी सिनेमा का जो खून है वो मुंह लग जाए तो फिर इंसान बड़ी मुश्किल से मुंह मोड़ता है। तो शर्मिला जी ने फिल्म तो साइन की और शक्ति सामंता साहब ने कहा कि देखो मेरा एक गाना है और मेरी फिल्म में तुम्हें स्विमिंग कॉस्ट्यूम पहननी पड़ेगी, तो एक अच्छी सी स्विमिंग कॉस्ट्यूम तुम्हारे लिए चुनते हैं। पर शर्मिला जी ने कहा कि मैं तो ज़रा छोटी वाली स्विमिंग कॉस्ट्यूम ही चुनूँगी। शर्मिला जी की तरबियत इस अंदाज में हुई थी कि उन्हें लग रहा था कि भाई वो बड़े खुले मिजाज की हैं और खुले अंदाज में ही फिल्मों में आएंगी। शक्ति सामंता साहब चिल्लाते रहे, कहते रहे कि शर्मिला ऐसा मत करो, लेकिन शर्मिला टैगोर ने एक ना सुनी और अपनी मनपसंद स्विमिंग कॉस्ट्यूम पहनी, जिसकी वजह से काफ़ी हंगामा भी हुआ था, लेकिन ऑडियंस को वो बात पसंद भी आई थी। ये अंदाज रहा शर्मिला टैगोर का। फिल्म का नाम एन इवनिंग इन पेरिस। उसका एक बड़ा रोमांटिक गाना मैं चाहता हूँ कि हम सुने और उसके बाद मैं आपको बताऊँगा कि मेकअप की वजह से ऑडियंस शर्मिला टैगोर पर हंस रही थी और फिल्म के डायरेक्टर बहुत परेशान हो रहे थे। ये वो फिल्म थी जिसने राजेश खन्ना साहब को तो सुपरस्टार बनाया ही, लेकिन काका जी और शर्मिला जी की जोड़ी को भी सलाम किया। कौन सी थी ये फिल्म, क्या ये पूरी कहानी, बहुत जल्द सुनाता हूँ सिर्फ सारे गामा वीकेंड क्लासिक पर।
होते हुए किसने खाई कसम, किस नई राह पर हमने रखे कदम, सुख सका प्यार तब हम छुपाए तो क्या, सुख सका प्यार तब हम छुपाए तो क्या, सब समझ पा रही है सुबह जानती रात के सारेगा वीकेंड क्लासिक जैसा कि नाम है, हर हफ्ते ये शो हम आप तक पहुंचाएंगे और आप अपने ईमेल आईडीज हमसे शेयर करें ताकि ये वीडियोस जो हैं वो आप तक पहुंचते रहें, आप हमसे जुड़ते रहें, हम आपसे जुड़ते रहें और पुराने गाने सुनते रहें। डू सब्सक्राइब सारेगा ओल्ड हिंदी सॉन्ग्स। ये देख के दिल झूमा ले प्यार ने अंगड़ाई, दीवाना हुआ बादल सावन की घटा छाई, ये देख के दिल झूमा ले प्यार ने अंगड़ाई, दीवाना हुआ बादल थी तुम सा जो कोई महबूब मिले, दिल आज खुशी से पागल है, दिल आज खुशी से पागल है, ए जान वफा तुम खूब मिले, ए जान वफा तुम खूब मिले, दिल क्यों न बने पागल, क्या तुमने अदा पाई, ये देख के दिल झूमा ले प्यार ने अंगड़ाई, दीवाना हुआ बादल। वीरान बड़ी दुनिया थी मेरी,
वीरान बड़ी दुनिया थी मेरी हाथों में तेरा आंचल आया गवार आई ये देख कर झूमा ले प्यार ने अंगड़ाई गवा वीकेंड क्लासिक पर गौरव श्रीवास्तव के साथ हैं आप शर्मला डेगोर स्पेशल आप सुन रहे हैं शर्मला जी की फिल्मों के बहुत ही चुनिंदा गाने और कुछ बड़े ही अनोखे किस्से। देखिए साहब बात यूं रही कि ये बहुत कम उम्र थी और इन्हें एक फिल्म ऑफर की गई और शर्मला जी ने कहा कि मैं तो ये फिल्म करना चाहती हूँ लेकिन फिल्म के प्रोड्यूसर डायरेक्टर चाहते थे कि इस फिल्म में हीरोइन रहें हेमा मालिनी पर शर्मला जी ने जिद की और कहा नहीं नहीं मैं ये रोल करूँगी और मैं करना चाहती हूँ तो भाई इन्हें रोल दिया गया। अब इसमें क्या था इसमें इनकी जवानी भी दिखाई जा रही थी और बुढ़ापा भी और उस ज़माने में मेकअप इतना अच्छा होता नहीं था तब मेकअप वेकअप किया गया ज़रा बाल सफ़ेद किए गए और जब स्क्रीन पे लगी फिल्म तो जैसे ही शर्मला डेगोर की एंट्री हुई बुढ़ापे वाली तो ऑडियंस हंस दी। जैसी ऑडियंस हंसी तो डायरेक्टर साहब को तो दिल बैठ गया उन्होंने कहा फिल्म फ्लॉप हो गई साहब और वो थिएटर छोड़ के जाने लगे। जैसे जैसे सीन आगे बढ़ा तो ऑडियंस रोने लगी तो लोगों ने चिल्ला के बुलाया कि भैया वापस आइए फिल्म हिट हो गई है। वो फिल्म कौन सी थी मालूम है आपको? वो फिल्म रही आराधना जिसके लिए हेमा जी को चुना जा रहा था लेकिन शर्मला डेगोर ने जिद की ये रोल हथियाया और कमाल का अभिनय किया और इसके बाद राजेश खन्ना और शर्मला डेगोर की जोड़ी खूब जमी। साहब ये कहानी आपको सुनाई है तो इस फिल्म का एक गाना चाहता हूँ वो भी हम सुने और उसके बाद जिस डायरेक्टर ने शर्मला डेगोर को सबसे बड़ा ब्रेक दिया इन्होंने उसी डायरेक्टर को छोड़ दिया। कौन रहे वो डायरेक्टर साहब क्यों छोड़ दिया था ये कहानी भी बड़ी अनोखी बहुत जल्द सिर्फ सारे गामा वीकेंड क्लासिक पर। चंदा है तू मेरा सूरज है तू ओ मेरी आँखों का तारा है तू चंदा है तू मेरा सूरज है तू ओ मेरी आँखों का तारा है तू जीती हूँ मैं बस तुझे देख के इस टूटे दिल का सहारा है तू चंदा है
बीती जाए शाम न आए रे न बीती जाए शाम न आए निंदिया न आए आइए आनंद बाबू आप और इस मंदिर में मुझे पहचाना नहीं गाइए ना आप रुक क्यों गए गाओ ना बेटी गाओ गाओ शाम को सारेगामा वीकेंड क्लासिक पर गौरव श्रीवास्तव के साथ हैं आप और इस एपिसोड में शर्मिला टैगोर जी की जिंदगी से जुड़ी कुछ बड़ी अनोखी दास्तानें आपके साथ बांट रहा हूं और उन्हीं की फिल्मों के बहुत ही अनोखे गाने। देखिए साहब, शर्मिला जी को जिस डायरेक्टर ने ब्रेक दिया, बहुत महान डायरेक्टर, उसी डायरेक्टर साहब को शर्मिला जी ने छोड़ दिया और हिंदी फिल्मों में आ गई। क्यों ऐसा किया था, कौन थे वो डायरेक्टर, जरा बयान करता हूँ। देखिए, अपूर संसार करके एक फिल्म आई थी और जिसे बनाया गया सत्यजीत रे साहब,
और इस फिल्म के लिए शर्मला टैगोर जैसी एक नन्ही सी लड़की की ज़रूरत थी, स्कूल गोइंग लड़की की ज़रूरत थी, तो ढूंढा गया और इन्हें फिल्म में ब्रेक दिया गया। फिल्म बड़ी मकबूल हुई, बहुत मशहूर हुई, और उसके बाद ऐसा लग रहा था कि रे साहब जो हैं वो शर्मला जी को बहुत सारी फिल्मों में लेंगे, और लिया भी। लेकिन एक वक्त ऐसा आया जब शर्मला टैगोर को लगा कि अगर सत्यजीत रे के साथ ही काम करती रहूँगी तो कुछ और नया नहीं कर पाऊँगी, तो इसलिए हिंदी फिल्मों की तरफ इन्होंने रुख किया, रे साहब को छोड़ दिया, पर फिल्मों में इन्होंने खूब नाम कमाया। और माणिकदा यानी कि सत्यजीत रे जब तक जीवित थे तब तक उन्हें बड़ा गर्व महसूस होता था कि भाई शर्मला ने मेरे साथ अच्छा काम किया और मेरी पसंदीदा अभिनेत्री, और अमूमन किसी अभिनेत्री को मैं रिपीट नहीं करता हूँ अपनी फिल्मों में, पर इन्हें किया। पर इसके बावजूद इसने हिंदी फिल्मों का सहारा लिया और अपना अलग नाम बनाया, अलग मकाम बनाया, तो मैं बहुत खुश हूँ। ये भी रहा साहब सुनहरे दौर में, है ये बड़ी अनोखी कहानी, ऐसी बड़ी जबरदस्त दास्तान है। सिर्फ सारे कमा वीकेंड क्लासिक पर आप सुनते हैं गौरव श्रीवास्तव के साथ। अब चाहे मारू ठेया बाबा यारा मैंने दोहा कर ली, अब चाहे मारू ठेया बाबा यारा मैंने दोहा कर ली, अब चाहे सर फूटे या माथा मैंने तेरी बाह पकड़ ली, अब चाहे सर फूटे या माथा मैंने तेरी बाह पकड़ ली, मैंने तुझसे नियत भर ली, मैंने हंसकर हामी भर ली, यारी छूटे ना छूटे ना हाँ कर ली तो कर ली, अब चाहे मारू ठेया बाबा यारा मैंने तो हाँ कर ली, अब चाहे सर फूटे या माथा मैंने तेरी बाह पकड़ ली। दिल में समाई कब कहा मैंने मैं हूँ पराई, तू है मुद्दत से दिल में समाई कब कहा मैंने मैं हूँ पराई, जब तुझे मैंने देखा तू भाई मैं उसी वक्त कदमों में आई, बर्फ के फर्श पर प्यार के अर्श पर ओ चांदनी के तले जब मिले थे गले, जिस्म लहराए थे होंठ थर्राए थे, तब ये ली थी कसम अब ना बिछड़ेंगे हम, अब चाहे कांटे मिले या कलिया यारा मैंने दोहा कर ली, अब चाहे कांटे मिले या कलिया यारा मैंने दोहा कर ली, अब चाहे लग जाए हथकड़िया मैंने तेरी बाह पकड़ ली, अब चाहे लग जाए हथकड़िया मैंने तेरी बाह पकड़ ली, मैंने तुझ पे नियत धर ली, मैंने हंसकर हामी भर ली, ओ यारी छूटे ना छूटे ना हाँ कर ली तो कर ली, अब चाहे मारू ठेया बाबा यारा मैंने तो हाँ कर ली, अब चाहे सर फूटे या माथा मैंने तेरी बाह पकड़ ली। लाख पहरे जमाना बिठाए, लाख दीवाने दुनिया उठाए, लाख पहरे जमाना बिठाए, लाख दीवाने दुनिया उठाए, अब कदम पीछे हटने न पाए, प्यार पर कोई तोहमत न आए, जिंदा रहे।
अब चाहे रब रूठे या दुनिया, मैंने तेरी बाह पकड़ ली, मैंने तुझ पे नियत कर ली, मैंने हंसकर हामी भर ली, ओ यारी छूटे ना फूटे या माथा, अब चाहे काटे मिले कलियां, अब चाहे लग जाए हथकड़ियां, अब चाहे घर छूटे या सखियां, अब चाहे रब रूठे या दुनिया, अब चाहे मार रूठे या बाबा, यारा मैंने तो पकड़ ली, अब चाहे सर फूटे या माथा, मैंने तेरी बाह पकड़ ली। कैसा लगता है आपको हमारा ये सारेगामा वीकेंड क्लासिक, ये आप हमें ज़रूर बताएं। अगर आप चाहते हैं कि हम ये वीडियो आपको ईमेल करें तो अपना ईमेल आईडी कमेंट सेक्शन पे ज़रूर लिखें। लाइक करें इस वीडियो को, शेयर करें इस वीडियो को और सब्सक्राइब करें सारेगामा ओल्ड हिंदी सॉन्ग्स। आप इस वीकेंड क्लासिक रेडियो शो को आईट्यून्स पे एज पॉडकास्ट भी सुन सकते हैं।